Business News is brought to you by Winner Institute. नमस्कार, मैं भाग्यश्री। मिस इंड न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। नाग्या से 51 कार डिलीवर, 100 दिवसीय ग्राहक अभियान चला रहा एमजी कार्स। युद्ध के धमाकों से कांपा शेयर बाजार, गुरुवार को 3 लाख करोड़ रुपए हुए स्वाहा, पिछले 6 दिनों में डूब चुके हैं 22 लाख करोड़। एक्सिस बैंक ने वित्त वर्ष 2024 की दूसरी छमाही के परिणामों की घोषणा की है, जिसमें 5,864 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया। 2023 में यह राशि 5,330 करोड़ रुपए पर थी। बैंक की शुद्ध ब्याज आय 19% सालाना और 3% प्रति छमाही बढ़कर 2024 की दूसरी छमाही में 12,315 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। वित्त वर्ष 2023 में यह राशि 10,360 करोड़ रुपए थी। 2024 के लिए इसका शुद्ध ब्याज मार्जिन 4.11% था, जो 15 BPS सालाना और 1 BPS क्वार्टरली बढ़ गया है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से पैदा हुए दबाव के बीच गुरुवार को भारी बिकवाली हुई और घरेलू शेयर बाजार लगातार 6ठे कारोबारी सत्र में गिरकर बंद हुए। निवेशक धारणा कमजोर होने से मानक सूचकांक सेंसेक्स लगभग 900 अंक की भारी गिरावट के साथ 64,000 अंक के स्तर से नीचे आ गया। विश्लेषकों ने कहा कि वैश्विक बाजारों में सुस्त रुझानों के अलावा वाहन, वित्तीय एवं ऊर्जा शेयरों में भारी गिरावट के साथ विदेशी निवेशकों की ताजा बिकवाली ने भी बड़े पैमाने पर निराशा का माहौल बना है। बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 900.91 अंक यानी 1.41% टूटकर 64,000 अंक से बहुत नीचे 63,148.15 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 956.08 अंक तक गिरकर 63,092.98 अंक पर आ गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का सूचकांक निफ्टी भी 264.90 अंक यानी 1.39% का गोता लगाते हुए 18,857.25 पर खिसक आया। यह शेयर बाजारों में गिरावट का लगातार 6ठा सत्र रहा। गिरावट के इस दौर में अब तक सेंसेक्स में कुल 3,279.94 अंक यानी 4.93% की बड़ी गिरावट आ चुकी है, जबकि निफ्टी 954.25 अंक यानी 4.81% कमजोर हुआ है। पिछले 6 दिनों में सेंसेक्स करीब 3,500 अंक टूट चुका है। दशहरा के अवसर पर एमजी मोटर्स के विक्रेता नांगिया कार्स को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। इस दिन नांगिया कार्स से 51 कारों की डिलीवरी दी गई। एमजी मोटर्स इंडिया विशेष मूल्य निर्धारण विनिमय सहित ऑफर के साथ 100 दिवसीय ग्राहक अभियान चला रहा है। 2019 में अपनी भारत यात्रा शुरू करने के बाद से एमजी मोटर इंडिया CASE मोबिलिटी, कनेक्टेड, ऑटोनॉमस, शेयर्ड और इलेक्ट्रिक में सबसे आगे रही है। इसकी शुरुआत एमजी हेक्टर से हुई, जो भारत की पहली इंटरनेट SUV है। नांगिया कार्स के पास नागपुर, अमरावती और चंद्रपुर स्थित शोरूम में एमजी कारों की पूरी श्रृंखला है। देश में गुरुवार से रेफरेंस पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू हो गया है। इसके साथ ही भारत इस तरह के खास ईंधन बनाने वाले अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अब देश में रेफरेंस फ्यूल आयात करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ऑटोमोबाइल कंपनियां रेफरेंस फ्यूल का इस्तेमाल गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए करती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICTA और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसी एजेंसियां भी वाहनों की क्षमता आंकने में करती है। भारत दशकों से घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए खास तरह के रेफरेंस फ्यूल का आयात करता रहा है। अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने खुद ही रेफरेंस फ्यूल डेवलप कर लिया है और इसका उत्पादन भी करने लगी है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने बीते 3 महीनों में तेज रफ्तार देखी। गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई सितंबर तिमाही में अमेरिका के सकल घरेलू उत्पादन यानी GDP में 4.9% बढ़ोतरी हुई। इसके मुकाबले पहली तिमाही यानी अप्रैल जून में अमेरिका की आर्थिक विकास दर से 2.1% रही थी। बीती तिमाही की GDP ग्रोथ 2021 के आखिर से अब तक सबसे तेज रही। विश्लेषकों के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कई अनुकूल नीतियां अपनाई, उत्पादन बढ़ाने के मकसद से मजदूरी बढ़ाकर लेबर मार्केट को मजबूत करना और रियायतें व प्रोत्साहन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को खर्च करते रहने की सहूलियत देना इसमें शामिल है। लेकिन इससे अमेरिकी केंद्रीय बैंक फंड को महंगाई पर लगाम लगाने के लिए एक बार और ब्याज दरें बढ़ाने का मौका मिल सकता है, जो बाजार के लिए नकारात्मक है। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर।
नागया से 51 कार डिलीवर, 100 दिवसीय ग्राहक अभियान चला रहा एमजी कार्स। युद्ध के धमाकों से कापा शेयर बाजार, गुरुवार को 3 लाख करोड़ रुपए हुए स्वाहा, पिछले 6 दिनों में डूब चुके हैं 22 लाख करोड़। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही, ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए इनबिज़ न्यूज़। नमस्कार।